जय हिंद दोस्तों, हम फिर आपके सामने आ गए एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे टॉपर्स थिंकिंग और जो कम परसेंटेज लाने वाले बच्चे की बीच में क्या थिंकिंग होता है। देखो, मैंने ये जो बात करने आया हूँ एकदम प्रैक्टिकल बात करूँगा। मैंने आमतौर पे बहुत ऐसे स्टूडेंट को देखा हूँ कि उनकी थिंकिंग क्या होता है। जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो पहली बात, एक तो सिलेबस उनका कंप्लीट नहीं होता है टाइम पे। दूसरी बात, जो वर्कबुक वगैरह कंप्लीट करना रहता है वो भी टाइम पे परफेक्ट नहीं होता है। जब उनको स्टार्टिंग में मौका मिलता है तो कंप्लीट नहीं करते हैं, वेट करते हैं, इंजॉय करते हैं, मजे करते हैं, पढ़ाई को डिले करते जाते हैं। और फिर बाद में जब एग्ज़ाम सर पे आ जाता है, एग्ज़ाम करीब आ जाता है, तो फिर वो बुक वर्कबुक कंप्लीट करते बैठते हैं। जब वर्कबुक कंप्लीट करने बैठते हैं तो उनका पढ़ाई तो हुआ नहीं रहता ऑलरेडी पहले से, और फिर से भी नहीं होता, और उसी तरीके से फिर उसको कम परसेंटेज आता है और फिर वो वीक स्टूडेंट में कंसिडर किया जाता है। ऐसे एवरेज बिलो स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट भी कुछ करते हैं। ठीक इसके विपरीत टॉपर्स की सोच जो होती है, फटाफट अपना वर्कबुक वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं और सिलेबस को पहले वन टाइम परफेक्ट कर लेते हैं और बाद में फिर बार बार उसको रिवीजन करते हैं। रिवीजन जितना ज़्यादा टाइम करोगे उतना अच्छा आपका परसेंटेज आएगा। रिवीजन करोगे जितना बार करोगे उतना बार आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और फिर उसमें से नए नए डाउट्स क्रिएट्स होंगे और जितने डाउट्स क्रिएट्स होंगे फिर आपका एग्जाम में वैसे ही गलती नहीं होगा। तो फिर एग्जाम में गलती उनका ही होता है जो बच्चे पहले से रिवीजन नहीं करते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है, उठो, जागो और अभी से शुरू हो जाओ जब तक आपका कि सिलेबस परफेक्ट ना हो जाए। जब सिलेबस परफेक्ट हो गया रहेगा तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। टॉपर्स एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं, गलती से भी उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है। हाँ, कभी कोई क्वेश्चन नहीं भी आया तो उसको भी वो अटेम्प्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बार रिवीजन किए होते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है। और आप जो वीक स्टूडेंट हो, खुद को वीक बना रहे हो, ये क्या करते हो, ना रिवीजन करते हो और ना ही आप पहले से पढ़े हुए होते हो। तो याद रहे, आपको टॉपर बनना है तो फिर टाइम पे सब चीज़ें कंप्लीट करो। वर्कबुक को फटाफट लिख के ख़त्म करो, सिलेबस को कवर करो फटाक से और बार बार रिवीजन करो। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।